हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबों का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। वेलकम, जी आया नो वड़कम, सुस्वागतम। और आज के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से मैं आपके साथ रूबरू हूँ। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पर जो आपके घर के बहुत नज़दीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर के कौन से नज़दीक टॉपिक पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है मदरहुड के ऊपर। और कैसे कई बार हम ये सोचते हैं कि माँ बनकर या एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के वजह से शायद स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाती है, या जैसी हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। लेकिन कैसे आप मदरहुड के साथ साथ स्पिरिचुअली ग्रो भी कर सकते हैं, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप मदरहुड के साथ साथ, कैसे आप एक माँ होने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी देख सकते हैं। देखिए, यूजुअली हम जब बात करते हैं कि मदरहुड की, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कैसे हम यू नो बीइंग इनटू अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन ऑफ बीइंग अ मदर एंड फिर साथ साथ हम स्पिरिचुअली भी कैसे ग्रो कर पाए। बहुत सारी बहनें हमें इस बारे में लिखती हैं और वो इस बारे में जानना चाहती हैं। हम कहते हैं पास्टर नहीं तो हमें बताएं हम स्पिरिचुअली कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअली कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो आज उसका तो मैं आपको आंसर दूंगी ही दूंगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज हमने ये टॉपिक क्यों पकड़ा है, तो इट इज़ बिकॉज मदर्स डे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो 9th मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में 2021 का। सो आई एम श्योर कि आप अपनी मम्मा को बताएंगे, आप अपनी मम्मा को ये जाहिर करेंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनका आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। सो इन सब चीज़ों के ऊपर तो आज हम बात करेंगे ही, साथ ही मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगी जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को देख पाएंगे। सो और मदरहुड के साथ। सो अगर हम बात करें कि एक माँ बनना, एक माँ होना एक बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की और एक बड़ी ही ब्लेसिंग की बात होती है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी बुलाहट है, एक ऐसी कॉलिंग है जो परमेश्वर हमारी लाइफ में देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो माँ बनना कौन सी बुलाहट हुई, यू नो हाउ इज इट रिलेटेड टू बीइंग कॉल्ड इनटू द सर्विस ऑफ लॉर्ड। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि माँ सिर्फ ये नहीं होता है कि माँ एक घर का काम कर रही है, बच्चे को संभाल रही है, उसको एक ट्यूटर की मानद, उसको एक टीचर की मानद पढ़ाई भी करवा रही है, उसके अलावा खाना भी तैयार कर रही है शेफ़ की तरह, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर और नर्स भी बन जाती है। तो ये सिर्फ काम जो है ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा हुआ ना एक माँ का। लेकिन एक माँ की बुलाहट क्या होती है कि परमेश्वर उसे इसलिए चुनते हैं ताकि जिन बच्चों को वो पैदा करती हैं उन बच्चों को वो सिखा सके, पढ़ा सके, तैयार कर सके, ताकि वो आगे जाकर अनॉइंटेड जनरेशन बन सके, वो परमेश्वर की ओर से उस ग्रेस को पाए हुए, प्रभु के राहों पर चलते हुए सेल्फलेसली दूसरों की सेवा करने वाले लोग हों और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके। सो हुई कि ना हुई एक बड़ी बुलाहट, बिकॉज आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं तैयार कर रहे, आप अपने साथ साथ अपने अंदर जो है, अपनी जिंदगी में जो होता है उसको किसी और की लाइफ में डाउनलोड कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ताकि वो आपसे भी बेहतर वर्जन बन सके। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज अ कॉलिंग, बीइंग अ मदर इज अ वेरी बिग कॉलिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। चले, मैं जैसे बात कर रही थी कि कैसे आप उन 5 चीज़ों को, मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करी और मैंने देखा कि क्या ऐसे बातें हैं जिनके साथ आप एक माँ का फ़र्ज निभाते हुए भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने खानदान की स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ को देख सकते हैं और उसमें एक अहम किरदार, एक अहम हिस्सा निभा सकते हैं। सो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा डिसिप्लिन्ड बना लें, ऐसा अनुशासित बना लें कि आप बाकी सबके उठने से कुछ देर पहले उठ जाएं, यानी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है पास्टर नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ज़्यादा वो दौड़ भाग भी नहीं है क्लासेस की, तो ठीक है हम आराम से उठ जाते हैं, तो फिर भी मैं आपको ये इनक्रेज करना चाहूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें।
देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप बुक ऑफ साम्स पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 5 chapter का 3 verse पढ़ते हैं, तो ऐसे लिखे, ओ लॉर्ड, इन द मॉर्निंग यू विल हियर माय वॉइस, इन द मॉर्निंग आई पुट डाउन माय प्रेयर्स टू यू एंड वॉच ईगरली। यानी कि परमेश्वर, मैं सुबह सुबह उठकर आपके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखूंगा, मैं सुबह सुबह उठकर अपनी आवाज को आपके सामने उठाऊंगा, और फिर मैं ईगरली वेट करूंगा, पेशेंटली देखूंगा कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया, और उसके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। तो जो आपकी अर्ली मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, एक तो उनमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपको चिक चिक किच किच के बीच में अपने आप को कंसोलिडेट करके बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आपको ये नहीं फिक्र रहेगी कि अभी किसी के खाने का टाइम हो गया, अभी किसी के बेड टी का टाइम हो गया, सो आपको वो भी टेंशन से आप दूर रहेंगे। तीसरा ये कि जब आपने वो टाइम निकाला ही परमेश्वर के लिए अलग से है, तो आप उस फाउंडेशन को उस दिन के लिए ले कर पाएंगे जिस फाउंडेशन पे आपके घर का सारा दारोमदार होगा। आप परमेश्वर से अपने लिए विजडम को मांगे, परमेश्वर से अपने लिए स्ट्रेंथ को मांगे, परमेश्वर से उस दिन के लिए अपने लिए ग्रेस को मांगे, और जब आपके पास विजडम, स्ट्रेंथ, ग्रेस आएगी, तो वो फाउंडेशन ले हो जाएगी। अब जो भी आप उस घर के अंदर करेंगे, अब जो भी आपके परिवार के लोग करेंगे, अब उस फाउंडेशन के ऊपर उसको बिल्ड अप किया जाएगा। सो आपके घर का माहौल जो है वो आगे से बेहतर होता चला जाएगा। सो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना है, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर परमेश्वर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें, जिससे आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी होगी और घर का माहौल भी बदल जाएगा बेहतरी के लिए। देखिए, एक चीज़ और, प्रोवर्ब्स की किताब में भी जब आप देखते हैं, 31 chapter में 15th verse में ऐसा लिखा है कि जो एक अच्छी औरत है, लिखा है कि वो रात ही को उठ जाती है। तो ऐसा रात ही को उठ जाती का मतलब ये नहीं कि आधी रात में उठ के बैठ जाए, कहने का मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग वाइल इट इज स्टिल डार्क, जिस समय अंधेरा ही होता है उस समय उठ के बैठ जाती है, और आगे लिखा है कि वो अपने घर के लोगों के लिए खाना तैयार करती है। तो ये मत करने लग जाइए कि अच्छा आप सुबह 4 बजे उठ गए या 5 बजे उठ गए तो बोले अच्छा चलो मैं पहले जाके किचन में खाना बनाने चली जाती हूँ। नहीं, खाना तैयार करने का मतलब यहाँ पर है कि स्पिरिचुअल फूड को तैयार करती है। तो जो बातें मैंने आपको समझाई उन पर आप थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। दूसरी बात जो है ये कि अगर आपके घर में खाना बनाने वाले लोग हैं, हेल्प करने के लिए डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, तो वो उनसे आप बाकी के काम करवा सकते हैं, लेकिन खाना हो सके तो आप खुद ही बनाएं। अगर आप ये कहें कि पास्टर नहीं तो नहीं, खाना वाना बनाने का कोई झंझट हम नहीं करना चाहते, आई कांट डू दिस, देखिए खाना जब आप बनाते हैं इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। खाना बनाते टाइम जब आप प्रार्थना करके खाना बनाएंगे, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए खाना बनाएंगे, जब आप परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए खाना बनाएंगे, तो आप उस हॉस्पिटैलिटी को जो परमेश्वर ने आपको दी है उसे एक्सटेंड करेंगे। और हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत जगह ऐसी जगहों पे ऐसी बातों को लिखा गया, ऐसे इंसिडेंसेस को लिखा गया है, जहाँ पर जैसे अब्राहम और सारा की बात करें, या फिर जब हम सोलोमन के पेरेंट्स की बात करें उसके होने से पहले, तो जब वो हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड करते हैं, परमेश्वर को ऑफर करते हैं उस हॉस्पिटैलिटी को, तो प्रभु उन्हें आशीषित करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। सो ये हॉस्पिटैलिटी का दायरा आपके घर ही से शुरू होता है। So it starts from right from where you are. It starts from your kitchen. First you extend the hospitality to your family. Wo daira badhta hai, limits badhti hai, and then you start being hospitable to the saints, to the people of God, and then it goes even further. To aap non-believers ke liye bhi us daire ko badhate hai aur unko bhi aap hospitality extend karte hai, unhe bhi aap khana bana kar dete hai, unke liye bhi aapko koi, jo aap khana banane ka kaam kar rahe hai, aapko koi burden nahi lagta hai. So, जब आप खाना बनाएं, प्रार्थना करते हुए बनाएं, और मैं क्या करती हूँ, वाइल आई एम प्रिपेयरिंग फूड फॉर माई फैमिली व्हेन आई एम एट होम, तो मैं खाना बनाते समय प्रार्थना करती रहती हूँ, और मैं ये कहती हूँ प्रभु खाने वालों को ब्लेस करें, प्रभु जब लोग खाना खाएं, जब मेरे परिवार के लोग खाना खाएं, तो खुदावन ये खाना जो है उनको नरिशमेंट दे। आप बोलेंगे पास्टर नहीं तो हम ये मेज पर, टेबल पर बैठ के खाने से पहले प्रार्थना करते, पर जिस समय आप बना रहे हो उस समय भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप वो प्रार्थनाएं कर सकते हैं जो परमेश्वर की प्रॉमिसेस की बात है, कि प्रभु आपका प्रॉमिस कहता है कि जो आप हमें खाना देते हैं वो हमें नरिशमेंट देता है, और उसके बीच में से आप उन सारी तकलीफों को, बीमारियों को निकालते हैं, आप उस खाने के द्वारा हमें हीलिंग देते हैं। प्रभु इस प्रॉमिस को मैं इस खाने में बोलती हूँ।
जब आप आटे को नीड कर रहे होते हैं तो आप उस समय प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी आपके ग्रेस को मैं अपने खाने में मांगती हूँ, आपके अच्छे स्वाद को मैं अपने खाने में मांगती हूँ. एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स. यस, दे रियली वर्क. एंड यू नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने देखा भी है कि हम अपनी वीडियोस में, कई बार मैं अपनी किचन से ही जो है वीडियोस शूट करती हूँ, और वो रेवलेशंस जो हैं जिनमें वो सीक्रेट बातों को और मिस्ट्रीज को परमेश्वर मुझ पर जाहिर करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई एम इन द किचन. जब मैं किचन में होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, कुछ बना रही होती हूँ, प्रार्थना कर रही होती हूँ, उस टाइम पर परमेश्वर उन रेवलेशंस को मुझ पर जाहिर करते हैं, और फिर वो वैसे जो रेवलेशंस ने मुझसे बात की होती है फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ. सो खाना खुद बनाने की कोशिश करें, ये है पॉइंट नंबर दो. तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जब पहला थिस्सलुनीकियों में बात करते हैं हम, तो उसमें हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, तो उसमें 16th से लेकर 18th आयत तक जब आप देखें तो उसमें 3 थिंग्स के बारे में पर्टिकुलरली कहा गया है. सबसे पहले ये है कि परमेश्वर में रिजॉयस करें, यानी खुश रहें, आनंदित रहें. दूसरा है कि बिना रुके हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहें. और तीसरी बात है कि हर चीज में आपके जो धन्यवाद है वो परमेश्वर तक पहुंचने चाहिए. तो होता क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारा टाइम प्रार्थना कैसे की जा सकती, सारा टाइम थोड़े ना कोई बैठा रहेगा अपने कमरे में दुआ बंदगी करने के लिए, कैसे हो सकता है, और भी तो काम करने. तो मैं आपको एज अ मदर बता सकती हूँ कि आप सारा समय प्रार्थना में लगा सकते हैं. कैसे, चलिए, जब आप बर्तन मांज रहे होते हैं तब आप प्रार्थना करते रहें, जब आप खाना बना रहे होते हैं तब आप प्रार्थना करते रहें, अगर आप झाड़ू पोछा भी इन दिनों में जैसे कोरोना के टाइम में मेड्स अगर नहीं आ रही है झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं तो प्रार्थना करते रहें, डस्टिंग कर रहे तो प्रार्थना करते रहें, जो भी काम आप कर रहे हैं अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें, नहीं तो परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे, नहीं तो कोई सीरी ऑन करके या यूट्यूब पे वर्शिप सॉन्ग्स लगाकर परमेश्वर की बढ़ाई करते रहे. एंड जस्ट बी इन दैट लाइफस्टाइल ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर ऑल द टाइम. तो जब आप ये करेंगे तो आपके घर का एक एनवायरनमेंट जो है वो वर्शिप का एनवायरनमेंट बन जाएगा, वो एक ऐसा सैंक्टिफाइड एनवायरनमेंट बन जाएगा जिसमें ऑब्वियसली जब कोई भी ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर की ओर से नहीं अगर आने की कोशिश करेंगी तो वो रिपेल की जाएंगी. व्हाई, बिकॉज योर हाउस एनवायरनमेंट इज ऑलरेडी सो मच पैक्ड विद द वर्शिप एंड प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड कि और किसी चीज़ की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आमेन. सो ये है तीसरी चीज़ कि आप हर समय एक प्रार्थना के माहौल में बने रह सकते हैं. फोर्थ चीज़ जो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपने घर में एक फैमिली ऑल्टर बनाए. कई लोग पूछ सकते हैं कि पास्टर नहीं तो फैमिली ऑल्टर क्या होता है. देखिए, जिसको हम कहते हैं कि एक वेदी, अब ऐसा मत करने लग जाइएगा कि वेदी बनानी शुरू हो जाएगा, हाथ की वेदी की नहीं मैं बात कर रही. फैमिली ऑल्टर का मतलब होता है कि आप सब परिवार के लोग इकट्ठा बैठे, एक कोई भी ऐसा टाइम नियुक्त कर ले, सेलेक्ट कर ले, मे बी द टाइम इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग व्हेन एवरीबॉडी इज अराउंड, घर के सारे मेंबर्स इकट्ठे हैं, तो आप उस समय परमेश्वर की वर्शिप करें, धन्यवाद दें, परमेश्वर के गुणगान करें, डिस्कशंस करें, प्रार्थना करें. उस टाइम पे ज़्यादा प्रीचिंग मत शुरू कर दीजिएगा कि बच्चे मम्मा की प्रीचिंग को या पापा की प्रीचिंग को सुन के सो ही जाए कि अब ये शुरू हो गए. मेक इट अ टाइम ऑफ डिस्कशन फॉर योर फैमिली, मेक इट अ टाइम जहाँ आप उन्हें अपलिफ्ट करें, जहाँ आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, जहाँ आपके बच्चे आपकी लाइफ को देखें, आपके एक्सपीरियंस को सुने और उनका फेथ भी इंक्रीज और ग्रो हो. सो मेक इट अ पॉइंट, क्योंकि वचन, देखिए जो फैमिली वचन में बढ़ती है, जो फैमिली प्रार्थनाओं में बढ़ती है, उन्हें अलग करना, सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और एक तो अडेज ऐसी भी है, कहावत ऐसी भी है कि द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. सो अपने घर में एक ऐसा टाइम नियुक्त करें दैट ऑल ऑफ यू मेंबर्स गेट टुगेदर एंड प्रे एंड वर्शिप एंड लेट योर एग्जॉल्टेशन ऑफ द लॉर्ड बी लिफ्टेड हाई अबव. तो आप उस टाइम को कर सकते हैं. ये है चौथी चीज. पांचवी चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एटीट्यूड को सही रख सकते. एक माँ होने के नाते आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि घर में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसमें भी मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगी.
देखिए, सबसे पहले अपने हार्ट को, अपने मन को गार्ड करें, ताकि आप उन विचारों को, उन बातों को जो आपको टेंशन दे या आपको वरीसम करे या आपको बॉगल डाउन करने की कोशिश करे, उन विचारों को आप एंटरटेन ना कर पाए। वचन भी बताता है, नीति वचन प्रोवर्ब्स बताता है, चैप्टर 4 में जब आप वर्स 23 पढ़ते हैं तो लिखा है कि वॉच ओवर योर हार्ट, अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। तो जो जीवन की नदियाँ निकलती हैं ना, वो हमारे हार्ट से निकलती हैं, इसलिए अपने हार्ट को सेफगार्ड करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमें सेफगार्ड करना ज़रूरी है, अपने अपने शब्द, अपने मुंह से निकलने वाले वर्ड्स, क्योंकि प्रोवर्ब्स की किताब अगर आप 18th चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी 4th आयत में ऐसा लिखा है कि जो वर्ड्स अच्छे होते हैं वो ऐसे पानियों की तरह काम करते हैं जो कि नरिशमेंट देते हैं, ऐसे स्प्रिंग्स की मानद होते हैं। और जब आप 18th ही चैप्टर पढ़े, उसकी 21 आयत में ऐसा लिखा है, प्रोवर्ब्स 18:21 में, दैट द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज इन योर टंग। यानी आप जो बोलते हैं सोच कर बोले, कुछ ऐसा नहीं बोले ऐसा नहीं करना है क्योंकि ऐसा हो जाएगा। अगर आपको कुछ बोलना है, जस्ट से के यू नो, लीव इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, के बी केयरफुल, बी विजिलेंट, या ऐसा मत करो, दैट्स ऑल अबाउट इट, डोंट से दैट नेगेटिव थिंग। और बच्चों को गुस्सा करने से पहले भी सोच ले एक बार कि इज इट वर्थ स्पीकिंग और नॉट। कई बार गुस्से में बातें निकल जाती हैं, बट दैट इज वॉट नीड्स योर प्रैक्टिस। सो उसमें आपको अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ क्या है कि हमने एक तो बात की हार्ट की, अपने मन की रक्षा करनी है, दूसरा ये कि अपने वर्ड्स की रक्षा करनी है, और तीसरा ये कि अपने बिहेवियर की रक्षा करनी है। तो आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है? अब ये नहीं है कि आपको अपना बिहेवियर जो है वो घर पे गुस्से में भी ख़राब करना है, आपको अपने बिहेवियर को भी सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। और एक औरत का जो सुंदरता है या जो उसकी ब्यूटी है, वो उसके इनर ब्यूटी के साथ बाहर उभर कर आती है। और इनर ब्यूटी की अगर हम बात करें तो पहला पत्रस में अगर आप देखें, 1 पीटर में उसके चैप्टर 3 में जब आप पढ़ते हैं, उसके वर्स 4 में ऐसा लिखा है कि योर इनर ब्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। और परमेश्वर की नज़र में भी हमारी अंदरूनी सुंदरता पर परमेश्वर की नज़र होती है। और सुंदरता क्या है? इट इज़ ह्यूमिलिटी, इट इज़ जेंटलनेस, यानी नम्रता, हमारी दीनता और हमारी पीसफुल स्पिरिट जो है वो परमेश्वर को भाती है। तो जो चीज़ परमेश्वर को भाती है वो आई एम श्योर हमारे घर के लोगों को भी भाती है। सो अगर आप बजाय इसके कि आपको गुस्सा आए और आप फू फू करके इधर उधर घूमते हैं, चीज़ें उठा उठा कर फेंकते हैं, बच्चों को गलत मुलत बोलते हैं, तो उससे क्या होता है? घर का माहौल ख़राब होता है, उससे घर की शांति ख़राब होती है। लेकिन अगर आप एक ऐसी औरत है, एक ऐसी माँ है, एक ऐसी महिला है जिसके अंदर परमेश्वर की दीनता है, परमेश्वर की जेंटलनेस और नम्रता है, और परमेश्वर की ओर से वो ग्रेस है और एक पीसफुल स्पिरिट है, तो क्या होगा? आप हर चीज़ को एज अ सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे, एज अ प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। सो इन चीज़ों पे अगर आप काम करते हैं तो आपके घर का एनवायरनमेंट जो है वो केयरिंग हो जाएगा, वो लविंग हो जाएगा, एक फैमिली बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बच्चे आप पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, आपके घर का माहौल ही विश्वास वाले माहौल का बन जाएगा, कि एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट करके अपने दिल की बातों को शेयर कर सकेंगे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाकर किसी से अपनी बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट विल यू नो स्ट्रेंथन योर बॉन्ड्स, दैट विल स्ट्रेंथन द लव अमंगस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। सो ये 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। एक ये कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और अपने लिए प्रार्थना का समय निकालें। दूसरा ये है कि आप अपने घर में अपने परिवार के लोगों के लिए खाना जहाँ तक हो सके खुद बनाएं। तीसरा ये है कि आप हर समय प्रार्थना के माहौल में रह सकते हैं, हर काम करते हुए परमेश्वर की बढ़ाई, महिमा, प्रार्थना, वर्शिप करते रह सकते हैं। चौथा ये कि आप अपने घर में एक फैमिली ऑल्टर बनाएं, जिस पर आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ प्रार्थना करने के लिए उस समय में उस जगह पर आ सकते हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करें, जो कि आपके बिहेवियर से, आपके वर्ड्स से और आपके पीसफुलनेस से और आपके हार्ट से जो है उभर कर आएंगे। सो ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको लागू करते हैं तो आई एम श्योर कि आपके घर में आप एक अच्छी माता होने के साथ साथ एक ऐसी अच्छी परमेश्वर की दासी भी हो सकती हैं, जो कि अगली जनरेशन को तैयार कर रही है और अपनी बुलाहट को जानते हुए उस काम को कर रही है जिसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंपी है।
और एक चीज और याद रखिए, कुलोशियंस की किताब में, कुलोसियों की किताब में ऐसा लिखा है कि तीसरे चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, ये जानकर मत करें कि आप किसी इंसान के लिए कर रहे हैं, पर ये जानकर करें कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर के लिए करेंगे तो आपको सुबह जल्दी उठना भी अखरेगा नहीं, आपको प्रार्थना का माहौल भी अखरेगा नहीं, आपको खाना बनाना भी अखरेगा नहीं, आपको घर के काम करना भी अखरेगा नहीं, आपको अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना भी अखरेगा नहीं, और ना ही आपको अपने बिहेवियर को ध्यान रखना भी मुश्किल लगेगा। सो अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप जान रखें कि आपको परमेश्वर रिवॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो काम प्रभु के लिए किया जाता है परमेश्वर किसी भी मनुष्य के कर्जदार नहीं है और प्रभु उसका एडिक्वेटली रिवॉर्ड देते हैं। आमीन। सो इस वचन के साथ मैं आप सबों को एनकरेज करना चाहती हूँ और आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपकी बुलाहट जो है वो बड़ी बुलाहट है और परमेश्वर ने आपको एक कॉलिंग के साथ बुलाया है और माँ होने के नाते भी आप उस बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, अपने लिए भी और आने वाली जनरेशंस के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। ये समय है प्रार्थना का और मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों। और आज हम उन महिलाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उन माओं के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रही हैं। साथ ही साथ हम उन टू बी मॉम्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो कि इस ब्लेसिंग को पाने जा रही हैं और उनके ऊपर भी वो जिम्मेदारी आएगी और वो भी इस बात को समझ सकेंगी कि वो बुलाहट में आगे बढ़ेंगी। और साथ ही हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिन्हें किसी भी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो इस समय एज यू बिलीव आई विल प्रे फॉर यू, कम लेट्स जस्ट जॉइन इन द टाइम ऑफ प्रेयर। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और आपको महिमा देते हैं प्रभु। जबकि हम मदर्स डे सेलिब्रेट करने के कगार पर हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं अपनी माँ की कॉन्ट्रीब्यूशंस का धन्यवाद देने के लिए, तो हम तो जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए तो हर दिन ही मदर्स डे है, हर दिन ही ऐसा दिन है जिसमें कि हम माएँ आपके नाम में परमेश्वर खड़ी की जाती हैं, स्ट्रेंथन की जाती हैं और आपकी मैच्योरिटी और विजडम के साथ उन कामों को पूरा कर पाती हैं जिनकी जिम्मेदारी आपने हमें दी है। पिता, इस समय मैं हर एक माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ जो हमें देख रही है, जो इस वीडियो में शामिल है और जो आने वाले दिनों में भी हमें देखेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक माँ को मेरे परमेश्वर अच्छी सेहत के साथ आप मामूर करें, प्रभु अपनी विजडम के साथ मामूर करें और परमेश्वर होने दे कि अपने वचन में बढ़ाते जाएं और जैसे जैसे वो इन पड़ाव में से होकर गुजरती हैं वो जानने पाएं कि प्रभु आप उनके साथ हैं और परमेश्वर आप चाहते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट हो इस समय में भी जबकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी अच्छी सेहत, आपकी ग्रेस को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी विजडम को हम इन सब माओं के ऊपर मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। साथ ही साथ जितनी भी ऐसी बहनें हैं जो आने वाले दिनों में बच्चों को डिलीवर करेंगी और वो कैरी कर रही हैं अपने कोख में आने वाली आशीषों को, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन माओं को भी स्ट्रेंथन करें, कम्फर्ट करें, उन्हें परमेश्वर सेहत और तंदुरुस्ती बख्शें और साथ ही साथ उनके होने वाले बच्चों को भी मेरे परमेश्वर आप कंप्लीट तरीके से, सेहतमंद तरीके से प्रभु जी भरे पूरे बनाए मेरे परमेश्वर, ताकि वो अपने पूरे अंगों के साथ, अपने पूरी अच्छी हेल्थ के साथ इस धरती पर आए और डिलीवर किए जाए, और जब वो डिलीवर किए जाए प्रभु वो अपने माँ बाप के लिए आशीष का कारण ठहरे, एक अच्छे जॉय का कारण ठहरे। धन्यवाद देते हैं पिता। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं अगर कोई भी ऐसी माँ है जो कि डिलीवरी के नज़दीक है और एंग्शियस है और घबराई हुई है और परमेश्वर उसे किसी भी तरह का डाउट है, तो आज प्रभु आपका कंफर्ट उन्हें ढांपे, हर तरह का डाउट आप दूर करें और अब तक जब आपने संभाला है प्रभु आप आगे भी संभालें, ताकि हर तरह का डर दूर करते हुए प्रभु आप उन्हें उस अच्छी नेमत को जो देने जा रहे हैं उसको उनकी आंखों के सामने लेकर। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू प्रभु जी। इस समय हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो किसी भी तरह से
किसी भी बीमारी का शिकार है और उन्हें अपने शरीर में हीलिंग की ज़रूरत है। प्रभु आपने अद्भुत तरीके से इन वीडियोस के द्वारा, इन सेशंस के द्वारा अपने लोगों की जिंदगियों में काम किया और उनकी सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु चंगाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आपकी चंगाई वाला हाथ आपके लोगों पर उतरे और जिसे जिसे जहाँ जहाँ चंगाई की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ से लेकर फिजिकल हेल्थ तक, इमोशनल हेल्थ से लेकर स्पिरिचुअल हेल्थ तक, जिस जिस की जहाँ जहाँ ज़रूरत है हीलिंग की, प्रभु यीशु आपके पवित्र और जलाली नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनकी ज़िंदगी में ये काम किया जाए और प्रभु आपकी चंगाई उनकी ज़िंदगियों में जाहिर की जाए। बीमारियाँ प्रभु यीशु के नाम से उन्हें छोड़ें। एंग्जाइटीज़ और डिप्रेशंस प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ें और प्रभु जहाँ कहीं कमी लगती है, जहाँ स्पिरिचुअली उनकी बढ़ोतरी की ज़रूरत है, तो प्रभु वो कमियाँ उन्हें प्रभु यीशु के नाम से छोड़ें, आपकी बढ़ोतरी दिखाई दे। धन्यवाद देते हैं, आप ही को सारी महिमा देते हैं। प्रभु हमारा विश्वास है कि आज की भी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया है और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि मेरी किसी भी प्रार्थना को प्रभु आप अनसुना नहीं करते। I'm just so humbled and I thank you God for this wonderful work. I thank you and I give you the glory. प्रभु आपको महिमा देते हुए, आपको सारा जलाल और सारी बुजुर्गी देते हुए, इन सारी की सारी प्रार्थनाओं को बड़े ही विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा और जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम करने वाले परमेश्वर हैं और अद्भुत तरीके से प्रभु अपने लोगों की लाइफ्स में काम करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज का ये मैसेज आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर काम करेगा जब आप इसको लागू करेंगे और आप अपनी टेस्टिमनीज़ को ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि आज के इस वचन ने आपके साथ कैसे बात की और कैसे इसे आपने जब अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आपकी लाइफ में प्रभु ने कैसे बढ़ोतरी के काम किए। सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको महफूज रखें, सुरक्षित रखें और हर महामारी से बचाएं और हर तरह की बीमारी से आज़ाद करते हुए अपने नाम की महिमा दिखाते हुए आपकी लाइफ में एक टेस्टिमनी दें। आप अपने घरों में परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के शालोम को देख पाएं, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और आने वाले दिनों में भी हम आपकी इन गवाहियों को सुनना चाहेंगे और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर यीशु के नाम में ऐसा ही होगा। सो गॉड ब्लेस यू, ईच वन ऑफ यू, टेक केयर, शालोम।